गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं। इसमें अभी तक फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में कह सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिड्स, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम लोग पढ़े। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ें। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में दो कंडीशंस हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में दो तरह का क्लीवेज होगा, क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये दो क्लीवेज हैं, इसी दोनों क्लीवेज को आज हम पढ़ेंगे। बॉन्ड क्लीवेज ऑफ OH, अब बॉन्ड क्लीवेज ऑफ कार्बन, रिएक्शन ड्यू टू, पहला जो हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप। क्लीवेज ऑफ cleavage of oxygen hydrogen bond, cleavage of oxygen hydrogen bond, ये बताता है acidic nature of carboxylic acid। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हम लोग अल्कोहल फिनॉल में पढ़े हैं कि अल्कोहल रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल टू इवॉल्व हाइड्रोजन। फिनॉल इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। फिनॉल रिएक्ट with active metal as well as alkali, alkali से भी reaction करेगा। In case of carboxylic acid react with active metal, alkali and metal carbonate and bicarbonate। यानी तीनों का अगर हम देखें तो ट्रेंड ऑफ एसिडिक कैरेक्टर में अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल रिएक्ट ओनली विथ एक्टिव मेटल, फिनॉल रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल एज वेल एज अल्कली, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एक्टिव मेटल, अल्कली एंड मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। अब देखिए रिएक्शन विथ
एक्टिव मेटल्स सच एज Na, K, Mg, Ca, Zn, etc. Reaction with active metals such as Na, K, Mg, Ca, etc. सोडियम अल्कानोएट का फॉर्मेशन इसका दो एग्जांपल हम लोग देखते हैं CH3COOH प्लस के CH3COO के प्लस उसी तरह से C6H5COH प्लस Na टू C6H5CO Na प्लस H2। तो हम लोग देखे रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल से कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है साथ में सोडियम अल्कानोएट, जैसे यहां सोडियम इथानोएट सोडियम बेंजोएट का फॉर्मेशन करता है। अब इसका सेकेंड रिएक्शन हम देखते हैं, रिएक्शन विथ अल्कलीज, रिएक्शन विथ अल्कलीज। plus KOH
2H5COOK plus H2O. C6H5COH plus NH4OH. C6H5COO NH4 plus H2O. यानी रिएक्शन विद अल्कलीज, अल्कलीज के साथ फिर वही चीज सोडियम अल्कानोएट एंड वाटर. अब रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, रिएक्शन विद रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स. मेटल कार्बोनेट के साथ जब इसका रिएक्शन होगा, ऐसे देखिए Na2CO3 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और प्लस CO2 का फॉर्मेशन. यानी मेटल कार्बोनेट से कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करके सोडियम अल्कानोएट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है Na2CO3H2. अब इसका रिएक्शन आप देखिए K2CO3 2K H2O plus CO2 Na2CO3 plus CO2. यानी रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट में जैसा अल्कली के साथ रिएक्शन था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा हो गया. अब फिर बाई कार्बोनेट्स में देखेंगे तो फिर वही बात होगा, जैसा प्रोडक्ट है ठीक ऑलमोस्ट उसी तरह का प्रोडक्ट होगा. रिएक्शन विद मेटल बाइकार्बोनेट्स, रिएक्शन विद मेटल बाइकार्बोनेट्स, रिएक्शन विद मेटल बाइकार्बोनेट यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट. अब देखिए सेम प्रोडक्ट तो हम लोग देखे कि क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हम देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है. कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक इन नेचर है, कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है फिनॉल से, अल्कोहल से स्ट्रॉन्गर एसिड है फिनॉल और फिनॉल से स्ट्रॉन्गर एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल से रिएक्ट कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कली से रिएक्ट कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है, मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट. सब में
एक चीज कॉमन है, सोडियम अल्कानोएट, सोडियम अल्कानोएट, सोडियम फेनोएट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम इथानोएट, सोडियम मिथानोएट, ये सब में कॉमन है। एक कॉमन प्रोडक्ट है जो रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ अल्कली, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स, रिएक्शन विथ मेटल बाइकार्बोनेट्स। सब में मतलब मेटल का अल्कानोएट, सोडियम अल्कानोएट, पोटासियम अल्कानोएट, कैल्शियम अल्का, जो भी हो वो सब में कॉमन है। एक्टिव मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। अगर अल्कली से रिएक्ट करता है तो वाटर का फॉर्मेशन करता है। अगर मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो इन दोनों के अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड का भी इवोल्यूशन करता है। तो टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हमको याद रखना होगा कि रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल मेटल बाइकार्बोनेट टू इवॉल्व ब्रिस्क इफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी टेस्ट ऑफ बहुत सिंपल टेस्ट है इसका। टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन विथ मेटल मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाई कार्बोनेट्स मेटल बाई कार्बोनेट्स बाई ब्रिस्क इफर essence of carbon dioxide. Reaction due to hydrogen atom of the carboxyl group. Cleavage of OH bond. Acidic nature of carboxyl. टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स बाय ब्रिस्क इफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन देखते हैं। क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का जो चार डेरिवेटिव्स है, फोर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एसिडामाइड, एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड, ये चारों का प्रिपरेशन हो। यानी अब जो सेकेंड रिएक्शन हम लोग देखेंगे, रिएक्शन टू रिएक्शन क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये क्लीवेज से प्रिपरेशन होगा ऑल फोर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स।
रिएक्शन ड्यू टू रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इसका मतलब हुआ दैट इज क्लीवेज ऑफ CoH बॉन्ड और ये प्रिपरेशन ऑफ फोर डेरिवेटिव्स फोर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के चारों डेरिवेटिव का प्रिपरेशन हम इस मेथड से कर सकते हैं। स्टरीफिकेशन यानी प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर्स H यहां पर हम लोग R और AR दोनों लिख सकते हैं AR भी लिख सकते हैं हम लोग AR R C double bond H plus H O R AR यही H2O मॉलिक्यूल निकलेगा इन प्रेजेंस ऑफ इस इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस ये कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल AR R COO R dash O R dash AR plus H2O ये इस तरह अब इसमें हम दो तीन एग्जांपल्स देखते हैं CH3 C double bond O H plus H O C2H5 H plus CH3 C double O O C2H5 plus H2O उसी तरह से अगर यहां पर AR के जगह पर हम लिखते हैं C6H5 C double bond OH plus H O CH3 C6H5 COO CH3 plus H2O C6H5
5 सी डबल बॉट ओ ओ सी 6 एच 5 प्लस एच 2। तो हम लोग देखे कि अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप दोनों को हम चेंज कर सकते हैं। अल्काइल ग्रुप यहां पर हम सी एच 3 ले लिए, यहां एराइल ग्रुप ले लिए, यहां दोनों जगह अल्काइल ग्रुप लिए, यहां पर एराइल ग्रुप ले लिए। तो डिफरेंट जैसा रिक्वायरमेंट हो, जिस तरह के इस्टर का फॉर्मेशन हमको करना हो, हम लोग इसमें आर और आर डैश, ए आर तो निश्चित है, ए आर तो फिनाइल ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप लेंगे, लेकिन अगर कोई भी हमको बनाना हो तो हम इस तरह से फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस्टर का फॉर्मेशन, इस्टर का प्रिपरेशन बाय रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी एसिड, प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा मेथड है फॉर्मेशन ऑफ एसिड फ्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स, एसिड क्लोराइड्स का फॉर्मेशन ए आर आर ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका रिएक्शन हम SO2 Cl2 से करावे, SO Cl2 से करावे, इसका रिएक्शन हम PCl5 से करावे, इसका रिएक्शन PCl3 से करावे। जिस किसी से कराएंगे प्रोडक्ट हमारा Ar R C डबल बॉन्ड ओ सी एल प्लस एसओ टू प्लस एच सी एल। अगर पी सी एल फाइव से करा प्रोडक्ट पीओ सी एल थ्री एंड एस सी एल, POCl3 एंड HCl, और PCl3 से करावें तो Ar R COCl प्लस H3PO3 का फॉर्मेशन। यानी जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन SOCl2 से कराएंगे तब भी एसिड क्लोराइड बनेगा, PCl5 से कराएंगे तब भी एसिड क्लोराइड बनेगा, और PCl3 से कराएंगे तब भी एसिड क्लोराइड बनेगा। बाय प्रोडक्ट का ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करना हो तो SOCl2, PCl5, PCl3 तीन रिएजेंट हमारे पास है। SOCl2 की खासियत है
या सल्फर डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस इवॉल्व करता है, जिसके कारण ये आसानी से रिमूव हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। अब रिएक्शन विथ, अब तीसरा एसिड एमाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एमाइड्स। Formation of acid formation of acid amides. ARR plus NH3 ARR C double bond O O and H4 इसको हीट करेंगे CO NH2 plus H2O, यही एमाइड का फॉर्मेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया से रिएक्ट करके कंप्लीट NH3 जुड़ गया है, NH3 H से जुड़ गया, NH4 हो गया, और जब उसको हीट किए तो यहां से दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन H2O के फॉर्म में रिमूव हो गया। अब यहां पर हम एक दो एग्जांपल देख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस NH3 CH3 C डबल बॉन्ड O O NH4 heat, CH3 C double bond O NH2 plus H2O. Another one example हम देख सकते हैं, C6H5 C double bond O OH plus NH3 CH3 C double bond O NH4 heat, C6H5 CO NH2 plus H2. तो रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप एंड फॉर्मेशन ऑफ एसिड एमाइड। तीसरा डेरिवेटिव सीधे अमोनिया से रिएक्ट की और हीट कर दी, बहुत सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। अब है फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। Formation of acid anhydride.
फॉर्मेशन ऑफ एसीट एनहाइड्राइड हाइड्राइड्स। इसमें ए आर और आर इसका रिएक्शन हम P2O5 के साथ हीट करेंगे। P2O5 इसको हीट करेंगे AR R C double bond O। अब यहां पर हम दो एग्जांपल लेते हैं CH3 C double bond O OH, P2O5 heat, CH3 CO whole 2 O, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको। अनदर वन एग्जांपल C6H5 C double bond O OH, P2O5 heat, C6H5 CO whole 2 O plus H2। यानी हम लोग रिएक्शन विथ ड्यू टू OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप से देखे, यहां पर कार्बन ऑक्सीजन क्लीवेज होता है, प्रिपरेशन ऑफ 4 डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, 4 डेरिवेटिव्स बनता है, ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड टू फॉर्म ईस्टर, सेकेंड एसिड क्लोराइड कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद PCl5 PCl3 और SOCl2 टू फॉर्म एसिड क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ अमोनिया एंड फर्दर हीटिंग टू इवॉल्व एसिड एमाइड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हीट इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस पेंटोऑक्साइड टू फॉर्म एसिड एनहाइड्राइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन आज हम दो रिएक्शन देखे, क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड प्रिपरेशन क्लीवेज ऑफ OH ग्रुप, मतलब प्रिपरेशन ऑफ ऑल 4 डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्दर हम लोग आगे इसके फिजिक, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट क्लास में फिर कंक्लूड करेंगे और उसके बाद से इस चैप्टर के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड देन गुड बाय।